तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सोलार सार्ज कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, सोलार पैनल का जो पॉजिटिव नेगेटिव वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट किया होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे रेड को कनेक्ट किया है पॉजिटिव में और ब्लैक को कनेक्ट किया है नेगेटिव में। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे और दो पॉइंट दिया गया है जो कि है बैटरी का, इसका पॉजिटिव जो है ये और नेगेटिव जो है ये। ठीक है, बैटरी का जो पॉजिटिव वाले पॉइंट है इसको हमने पॉजिटिव में ये वायर कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव में नेगेटिव वायर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आप लोगों को दिखा दूँ, ये है एक साइड का सोलर ट्यूबुलर बैटरी। तो ये जो हमारा सोलर कंट्रोलर का जो वायर था, जो अभी अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया है, वो है यहाँ पे। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो है हमने जो है बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और बैटरी से जो पॉजिटिव नेगेटिव जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पे लुमिनस का जो इन्वर्टर है, लुमिनस का इन्वर्टर को इस बैटरी से कनेक्ट करके रख दिया है। ठीक है, तो बात क्लियर हो चुका है कि लुमिनस इन्वर्टर का जो वायर है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, वो बैटरी से कनेक्ट हुआ है। और बैटरी से जो पॉजिटिव नेगेटिव है जिससे हम लुमिनस का इन्वर्टर का जो वायर कनेक्ट किया है, उन दोनों को हम फिर से ले जा करके यहाँ पे जो सोलर सर्ज कंट्रोलर है यहाँ पे यहाँ लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वायर है ये बैटरी से कनेक्टेड हो चुका है और लुमिनस इन्वर्टर का जो वायर है वो भी बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो चुका है। तो एक तो गया इन्वर्टर में और एक आ गया सोलर सर्ज कंट्रोलर में। तो ऐसे करके जो है हमारा सोलर सर्ज कंट्रोलर में अभी शो कर रहा है 12.14 यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कहा जाता है कि सोलर पैनल का जो वायर है उसको बाद में लगाया जाता है, पहले हम बैटरी का वायर सोलर सर्ज कंट्रोलर में लगाएंगे, उसके बाद जो है सोलर पैनल का वायर हम सोलर सर्ज कंट्रोलर में लगाएंगे। अगर हम पहले सोलर पैनल का ये वायर यहाँ पे लगाएंगे तो सोलर सर्ज कंट्रोलर खराब भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सोलर पैनल लेते बहुत सारे विधि हमने ऑलरेडी आप लोग करके रख दिया है, जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े आप लोग जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।